हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर माउस। माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है और इसका यूज कंप्यूटर के अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शन को डालने के लिए किया जाता है। माउस को सबसे पहले 1960 में डगलस नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था और ये डगलस ने कैलिफोर्निया में एक रिसर्च सेंटर के लिए काम करता था जिसके लिए इस माउस को बनाया था। ये जो माउस थे ये मैकेनिकल माउस थे। अगर अपने माउस की बात करें तो माउस कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैकेनिकल माउस जिसके नीचे एक रबड़ की बॉल लगी होती है और उस बॉल के सेंसर के माध्यम से डाटा इनपुट किया जाता है। ये PS2 माउस हुआ करते थे जो पहले यूज होते थे। इसके बाद इन माउस को रिप्लेस किया ऑप्टिकल माउस ने। ऑप्टिकल माउस में माउस के नीचे एक ऑप्टिकल यानी लाइट लगी होती है, रेड कलर की होती है बेसिकली, वो उसके थ्रू डाटा को सेंस करके इनपुट किया जाता है। उसके बाद वायरलेस माउस आए। वायरलेस माउस में ब्लूटूथ या इंफ्रारेड के हेल्प से डाटा को इनपुट किया जाता है या रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होती है, इनके हेल्प से डाटा को इनपुट किया जाता है। ये जो वायरलेस माउस होते हैं इसमें डाटा इनपुट करना आसान होता है क्योंकि इसके अंदर वायर की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, थोड़ी दूरी पर ही बैठ के आप इजिली वर्किंग कर सकते हो। तो ये माउस के टाइप थे। अगर आप माउस की बात करते हो तो माउस में हमारे पास बेसिकली जो बटन्स होते हैं, फंक्शन होते हैं माउस की, अगर अपने बात करें तो माउस में एक लेफ्ट बटन, एक राइट बटन और एक बीच में स्क्रोल बटन होता है। नीचे इसके अंदर लाइट लगी होती है रेड कलर की जो कि सेंसर होता है। इस सेंसर के माध्यम से डाटा इनपुट किया जाता है। देखिए, लेफ्ट बटन में की जो वर्किंग होती है वो होती है क्लिक करना। जैसे लेफ्ट बटन से जब भी अपने लेफ्ट बटन को एक बार दबाते हैं तो उसे कहते हैं क्लिक, दो बार दबाते हैं तो डबल क्लिक। इसका यूज बेसिकली होता है किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए। सिंगल क्लिक अगर आप करते हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ये सिलेक्ट करता है और अगर आप डबल क्लिक करते हो तो ये उस ऑब्जेक्ट को ओपन करने का काम करता है। राइट क्लिक जो होता है, राइट क्लिक का यूज बेसिकली स्पेशल कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। जिस भी जगह पर आप राइट क्लिक करोगे उस लोकेशन के हिसाब से वहां की जो स्पेशल कमांड्स हैं ये आपको शो करेगा। सपोज करो आपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया तो ये डेस्कटॉप के बारे में आपको बताएगा, जैसे डेस्कटॉप की प्रॉपर्टी, डेस्कटॉप से किसी चीज को कट करना, रिफ्रेश करना, वहां पे फोल्डर बनाना। अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी लाइन पे राइट क्लिक करते हो तो ये उसकी स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करता है, कट कॉपी करने का ऑप्शन देता है आपको, उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, उसके सिनोप्सिस बताने का काम करता है। तो जहां पे भी आप राइट क्लिक करोगे ये उसकी स्पेशल वर्किंग को आपको शो करके देता है। ये राइट क्लिक का काम होता है। इसके बाद जो बीच का बटन होता है स्क्रोल बटन, ये पेज को अप और डाउन करने का यूज किया जाता है और हम इस स्क्रोल बटन को क्लिक करके रख के माउस को मूव करके भी पेज को अप डाउन कर सकते हैं। नीचे जैसे आपको बताया कि एक सेंसर होता है जो कि डाटा इनपुट करने का काम करता है, इसी के माध्यम से डाटा इनपुट होता है। इसके बाद अगर आप बात करते हो माउस के कुछ और फंक्शन भी होते हैं जैसे कि ड्रैग, ड्रॉप, सिलेक्ट, ये सारे के सारे ये चीजें होती है। देखिए, ये लेफ्ट क्लिक से काम होता है। लेफ्ट क्लिक से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके रखते हो और उसको खींच के किसी दूसरी जगह लेके जाते हो तो उसे कहते हैं ड्रैग करना, और किसी दूसरी लोकेशन पर जब आप उसको छोड़ देते हो तो उसे कहते हैं ड्रॉप करना। ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के रिसाइकल बिन में डाल सकता हूं और उसको डिलीट कर सकता हूं। यानी डिलीट करने के लिए भी आप ड्रैग ड्रॉप का यूज करके माउस की हेल्प से डिलीट किया जा सकता है। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप, ये कई बार पूछा जाता है कि ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन का मतलब क्या होता है या ये किससे रिलेटेड होते हैं। सिलेक्ट करना, अगर आप लेफ्ट बटन का क्लिक कहीं पे भी करते हो तो वो ऑप्शन सिलेक्ट होता है। बाकी ये भी कई तरीके से काम करता है, जैसे कि अगर अपने बात करें किसी डॉक्यूमेंट की तो डॉक्यूमेंट में अगर मैं क्लिक करता हूं ना तो अगर लेफ्ट क्लिक एक बार करोगे तो कर्सर जहां क्लिक किया वहां सेट हो जाएगा और अगर मैं दो बार क्लिक करूंगा तो वहां जो वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा और अगर आप तीन बार क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका सिलेक्ट हो जाता है। तो ये लेफ्ट क्लिक का काम होता है और यही माउस की वर्किंग होती है। देखो, माउस की वर्किंग के अंदर लेफ्ट बटन, राइट बटन, स्क्रॉल बटन बेसिकली काम करते हैं। स्क्रॉल का पेज अप पेज डाउन की बेसिक वर्किंग होती है। ड्रैग, ड्रॉप, सिलेक्ट, ये सारे काम भी माउस के ही होते हैं। तो इस तरीके से आपके माउस को यूज किया जाता है। ये हमारे माउस के बारे में डिटेल थी।